60 क्वेश्चन है और 40 क्वेश्चन जो है और है, लगभग 100 क्वेश्चन है इसमें, और 100 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, सवाल होगा और उसका जवाब देना है। 100 नंबर का है, 25-25 नंबर चारों ग्रुप का है, दीनियात है, आम मालूमात है, और क्या है, इस्लामी मालूमात है, और हदीस, कलमा और नमाज। तो इसमें शिरकत किए हैं 15 बच्चों ने, और 15 बच्चों का नाम है ये। पहला है मंतशा परवीन, नीचे से चलिए, उसका क्वेश्चन लाए मंतशा नूरी, चलो एक तो उठा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम्हारे हक में आया नबी और रसूल किसे कहते हैं? नबी वह बशर है जिसकी तरफ वही रब्बानी आती हो, गवाह व तबलीग पर भी मामूर हो या ना हो। रसूल उस शख्स को कहते हैं जिसकी तरफ वही रब्बानी आती हो और वह तबलीग पर भी मामूर हो। माशाल्लाह। नंबर दो, दुआए मासूरा सुनाए। اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت غفور رحيم। حديث نمبر 17 سنائے। حديث نمبر 17। चलो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन है और किस जिले में स्थित है? पारसनाथ पहाड़, और यह गिरिडीह जिले में स्थित है। चलो ठीक है। अब आप लोग बताइए, अशरे मुबशरा किसे कहते हैं? अशरे मुबशरा पहले सुन लीजिए, तकरीर में आप सुनते हैं कि अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबी को दुनिया में खबर दी कि ये 10 जन्नती हैं, इसी को अशरे मुबशरा कहते हैं। 10 में से कितना याद है आपको? 4, 5, 6, 7, 8, कोई भी बताए। 10 हैं। कोई भी आप यहां से वहां तक बताए। इधर इधर गोल हो गया, इधर किन्हीं को मालूम नहीं है। अशरे मुबशरा ये 4 खलीफा हैं, ये कंपलसरी हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत अली और हजरत उस्माने गनी, हजरत तलहा, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास, ये अशरे मुबशरा हैं। याद रखिए, तकरीर सुनने से नहीं, याद भी रखिए और उस पर अमल भी कीजिए। हिजरत के रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन सहाबी को अपने बिस्तर पर सुलाया था? चलो खड़ा हो। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत अली को। माशाल्लाह।
बिस्तर हिजरत की रात जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जा रहे थे, जब हुक्म हुआ परवरदिगारे आलम का कि अब मक्का छोड़ दीजिए और हिजरत कर जाइए, तो अपनी बिस्तर पर चारों तरफ पहरा था कुफार का कि हुजूर निकलने नहीं पाए, तो हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाए और उठ करके चले गए और मिट्टी उठा करके फेंक दिए। सारे कुफार आंख मलते रह गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए गारे हेरा, गारे सौर होते हुए मदीना शरीफ से शरीफ ले गए। लगाइएगा जो क्वेश्चन कर दिया, जो जवाब दिया उसका लिख लेना। चलिए शहजादी परवीन, शहजादी परवीन लाओ इसको यहां से। एकदम ठहर ठहर के जवाब देना, हम लोग जागेंगे तुम्हारे लिए, तुम लोग के चलते। नंबर एक, इस्लाम में सबसे पहले नमाज जनाजा किसकी पढ़ी गई? खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा। साफ फिर से बोलो ताकि इन लोग भी समझ में आए। सफर की दुआ सुनाए। दूसरा सवाल, अल्लाहुम्म बिका असूल व बिका कौल व बिका सीर। हदीस नंबर 19 सुनाए। إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے। भारत में कुल कितने राज्य हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राज्यों की संख्या 28 है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। माशाल्लाह, बहुत खूब। फातिमा नूरी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान में सराहतन मज़कूर है? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। इनके अलावा सहाबी या सहाबियां में सराहत के साथ मज़कूर नहीं। पहले ही जवाब तुम्हारा सही हो गया। नंबर दो, कलमा तमजीद यानी तीसरा कलमा सुनाए। कलिमा तमजीद सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर वला हौला। तीसरा हदीस नंबर 16 सुनाए। हदीस नंबर 16, चलिए चौथा सवाल, झारखंड का स्थापना कब हुआ? पंद्रह नवंबर 2000। चलो ठीक है, लो नूरी परवीन,
चलो उधर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तुम्हारे हक में आया शिर्क किसे कहते हैं? अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे को वाजिबुल वजूद मानना है, किसी गैरे खुदा को लायक इबादत करना शिर्क है। बेशक अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी को माबूद बनाना ये शिर्क है, और शिर्क अल्लाह बख्शेगा नहीं, माफ नहीं करेगा। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सुनाए। ईमान मुजमल आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ भी अस्माई व सिफाती व कबील तु जम्य अहकामी इकरारुम बिल लसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। माने मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकति व कुतुबी व रसूली व यौमिल आखिर व कद्र खैरी व शर्री मिन अल्लाह तआला व बासी। हो गया। हदीस नंबर 18 सुनाएं। हदीस नंबर 18। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل عن متقين। رسول الله صلى الله عليه وسلم ने इरशाद फरमाया, मैं टेक लगाकर खाना पसंद नहीं करता। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है और किसके याद में मनाया जाता है? 5 नंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन की याद में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। चलो ठीक है। आसिफा परवीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। तुम्हारे हक में पहला क्वेश्चन है, मसाइल के इमाम कितने हैं और कौन कौन हैं? मसाइल के इमाम 4 है, एक हजरते सईद। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहिमुर रहमा। अत्तहियात मुकम्मल सुनाएं। التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। حديث نمبر 7 سنائیں। हदीस नंबर 7। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعادل ثلث القران। رسول الله صلى الله عليه وسلم ने इरशाद फरमाया, सूरह قل هو الله احد एक तिहाई कुरान के बराबर अजर रखती है। चौथा सवाल, गिरिडीह जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं और हम लोग किस अनुमंडल में रहते हैं? 4 अनुमंडल है और हम लोग खोरी महुआ अनुमंडल में रहते हैं। चलो ठीक है। चलिए बीच में आप लोग भी एक आध दो ठो को क्वेश्चन दे दिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हो के छोटे साहबजादे का नाम क्या है? छोटे लड़के का नाम क्या है? हजरत इमाम हुसैन, आप दे चुके हैं, दूसरे को मौका दीजिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के छोटे साहिबजादे छोटे लड़के का क्या नाम है? कोई नहीं मिला, यानी मुहर्रम की तकरीर नहीं सुनते हैं, खाली या हुसैन या हुसैन और तारीख नहीं। इधर इधर भी आप लोग उठिए, आपको नहीं उठना है। नहीं आपको नहीं कर रहा है, मास्टर साहब हैं, दोनों मास्टर साहब हैं। एक मिनट। अस्सलामु अलैकुम।
वालेकुम सलाम हजरत अली असगर। माशाल्लाह, अली असगर का नाम नहीं सुने हैं आप लोग कि 6 महीने का बच्चा जो है जब हुरमुला ने तीर मारा था तो सुनना खाली यार उठ के चल जाना। याद रखिए हर साल इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों का होगा, जो साल भर तकरीर होगी ना उसको आपको याद रखना है। करबला किस मुल्क में है? करबला किस मुल्क में है, किस देश में है करबला? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इराक। चलिए माशाल्लाह इराक। हाथ खड़ा कीजिएगा हाथ। चलिए अब फिर हम क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में आपसे क्वेश्चन करेंगे। जो क्वेश्चन हो गया उसको टिक मार दीजिए। रुखसार परवीन। रुखसार परवीन। चलो एकदम इत्मीनान से जो क्वेश्चन एक टू था। उधर देखो उधर, अभी अब्बा को मत देखना। नंबर एक, क्या जिनों में भी कोई नबी हुआ है? असर की नमाज में कुल कितनी रकअतें हैं? 8। और नमाज असर की 4 रकअत सुन्नत की नियत बताएं। نويت أن أصلي لله تعالى 4 ركعات صلاة العصر سنة رسول الله متوجها إلى جهة الكعبة الشريفة الله. حديث نمبر 8 سناي. حديث نمبر 8 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشر معايا جنسا سر خير خير كنامها. चौथा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलो लो अपना क्वेश्चन। जारा हयात। चलो एक तो उठाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तुम्हारे हक में आया ईमान किसे कहते हैं? जिन बातों का पेश करना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कतई और यकीनी तौर पर साबित है, उन बातों की तस्दीक का नाम ईमान है। दुआए कुनूत सुनाए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नूमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका सुनाए। حديث نمبر 10 قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يدخل الجنه قطات। رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا چغل خود جنت میں نہیں جا سکتا। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम बताएं। श्री संतोष गंगवार और श्री हेमंत सोरेन। चलो माशाल्लाह। सवाल टफ था। चलिए।